आपको बता दें कि परसों जो है वो पोलिंग के बाद जो है आपको बता दें रिजल्ट्स आने हैं, और आपको बता दें कि परसों रिजल्ट्स आएंगे असेंबली इलेक्शन के। उन्होंने जो है राजौरी में निकाला अध्यक्षता में जो है सभी की सभी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आप देख सकते हैं कि एरिया डोमिनेशन रूट मार्च करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये रूट मार्च जो है डीपीएल ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है और राजौरी सिटी से निकलते हुए जो है ये बिल्कुल मेन सलानी पुल से जो है फिर से पुलिस लाइन की ओर जाएगा। तस्वीरें आप इस वक्त राजौरी से देख रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज जितनी भी है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, काफी सारी जो लेडीज पुलिस है वो भी जो आप देख रहे हैं कि लगातार अपना काम कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरें के किस तरीके से सभी सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त हाई अलर्ट पे रखी गई हैं। परसों जो है रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए राजौरी में एरिया डोमिनेशन रूट मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। आप लोग खबर को साथ साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं ये काफी पीसफुली हो जाए। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस अपना रूट मार्च निकाल रही हैं, एक पैगाम दे रही हैं कि यहाँ पे जो है सब कुछ अच्छे तरीके से होगा, सब कुछ पीसफुली होगा, हर चीज को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा। खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है इन सब चीजों में। ये लोग दिन रात 24 घंटे अपनी ड्यूटीज जो है सड़कों में निकालते हैं, बॉर्डर्स में निकालते हैं, और आज भी ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अपना काम जो है भरपूर निभा रहे हैं। परसों 8 तारीख को रिजल्ट आना बाकी है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है एरिया डोमिनेशन रूट मार्च जो है यहाँ पे निकाला जा रहा है। Thank you.